ए रॉकेट मूव हॉर्जेंटली विद कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी यू एट हाइट एच एच हाइट पे ये रॉकेट कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी यू से मूव कर रहा है यू कैन ऑब्जर्व ऑब्जर्वर इन दिस डायग्राम एंड ए गाइडेड मिसाइल इज फायर्ड वर्टिकली विद ए स्पीड वी वेन रॉकेट पास से इट जिस समय रॉकेट इसके जस्ट ऊपर था तो गाइडेड मिसाइल को फायर कर दिया गाइडेड मिसाइल हमेशा इसको फॉलो करती हुई जाएगी और तब तक मूव करेगी जब तक इसको हिट ना कर दे तो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में गिविन है द मिसाइल ऑलवेज एम एट द रॉकेट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी राइट गाइडेड मिसाइल हमेशा फॉलो करती जाएगी रॉकेट को और वी वेलोसिटी से इसको हिट करेगी कांस्टेंट स्पीड जब तक हिट नहीं करेगी तब भी उसकी कांस्टेंट स्पीड वी मेंटेन है एंड हियर वी नीड टू फाइंड टाइम आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक द रॉकेट अब हमें मालूम करना है कि ये मिसाइल रॉकेट को कितने टाइम के बाद हिट करेगी अब इस को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि सिचुएशन कैसे हो रही है यू कैन ऑब्जर्व इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द मिसाइल एंड रॉकेट इज एच और ये मिसाइल रॉकेट की तरफ हमने फायर किया है इस तरह से राइट right? क्योंकि तो क्वेश्चन में गिवन है कि मिसाइल इज ऑलवेज फॉलोइंग द रॉकेट अब रॉकेट जैसे ही आगे जाएगा बिकॉज रॉकेट इज मूविंग इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन ऑलवेज रॉकेट की पोजीशन सपोज यहां होगी तो मिसाइल फॉलो कर रही है तो इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ दिज टू यू कैन ऑब्जर्व द सेपरेशन बिटवीन दिस टू इज डिक्रीज अब रॉकेट थोड़ा और आगे बढ़ा मिसाइल और आगे चली गई लेकिन फॉलो कर रही है सेपरेशन डिक्रीज़ होगा और इसी तरीके से डिक्रीज़ होता जाएगा और फाइनली क्योंकि मिसाइल की वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है तो फाइनली जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ कहीं हिट कर देगी एट दिस मोमेंट सेपरेशन बिटवीन दिस टू इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इनिशियल सेपरेशन वॉज एच एंड फाइनल सेपरेशन इज दैट मींस यहां पे भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो अब इस सिचुएशन को हम लोग नेक्स्ट फेज में ड्रॉ कर लेते हैं और यू कैन ऑब्जर्व द पाथ ऑफ दिस मिसाइल इज कर्व और जो रॉकेट का पाथ होगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे ये और ये स्ट्रेट लाइन एंड दिस इनिशियल सेपरेशन इज एच क्वल टू जीरो में दोनों का सेपरेशन है एच दिस इज एच ओके अब हमें अप्रोच में करना क्या होता है वी नीड टू इंस्टेंट इन पोजिशन टू मूविंग पार्टिकल टू मूविंग पार्टिकल है एक रॉकेट और दूसरा मिसाइल मिसाइल की पोजिशन कहीं यहां ले लेते हैं रॉकेट की पोजिशन कहीं यहां ले लेते हैं राइट दिस इज इज द दोजीशन ऑफ द मिसाइल एंड बी इज द पोजिशन ऑफ द रॉकेट फिर वेलोसिटी अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू ज्वाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन बाय पोजिशन द स्ट्रेट लाइन तो अब यहां पे इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पोजिशन को यहां से ज्वाइन कर दें राइट और यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज आर तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहां पे आर है और दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल बिकॉज़ मिसाइल फॉलो कर रही है रॉकेट को तो मिसाइल की वेलोसिटी इस कर पाथ के टेंजेंट और यू कैन से दिस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स है एक रॉकेट और दूसरा मिसाइल लेकिन रॉकेट को हमेशा हॉर्जेंटल मूव करना है तो रॉकेट यू वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा राइट right? अब हमने यहां पर आर एज्यूम कर लिया था दोनों के बीच का सेपरेशन एट एनी टाइम राइट

तो हमारे पास इस u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इंस्टेंटेनियस इन पोजिशन की डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा दिस इज u cos थीटा नाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस बी इक्वल टू v माइनस cos थीटा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच

डीआर की लिमिट हमें मालूम है डी आर की लिमिट क्या है सेपरेशन की लिमिट इनिशियल सेपरेशन, इक्वल टू जीरो में एच एंड इक्वल टू कैपिटल टी, टी सपोज किसी टाइम में जिस समय मिसाइल हिट करेगी रॉकेट को उस समय सेपरेशन जीरो, तो जीरो और टाइम की लिमिट जीरो टी. ये रख देते हैं राइट दिस इज द एच टू जीरो एंड दिस इज जीरो मैंने इंटीग्रल कर दिया अब ये v कॉन्स्टेंट है v कैन बी टेक इन आउट साइड यू आल्सो कैन बी टेक इन आउट साइड बट वी कैन नॉट टेक थीटा दैट इज कॉज थीटा आउटसाइड द इंटीग्रल बिकॉज थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनिशियल मोमेंट में थीटा यहां पे देख सकते हो थीटा जो एंगल था वो अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री एक्स एक्सेस से हॉर्जेंटल से इसकी वेलोसिटी लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी की जो एंगल है हॉर्जेंटल से दैट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम और जिस समय हिट करेगा उस टाइम में ये एंगल जीरो हो जाएगा दैट मीन्स एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम नाइन्टी डिग्री टू ज़ीरो तो थीटा का टाइम के साथ रिलेशन है दैट मीन द कॉस थीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट दैट मीन्स वी कैनोट राइट कॉस थीटा आउटसाइड द एंटी वेल तो अब हम लोग यहाँ पे v को बाहर लिख सकते हैं और dt का इंटीग्रल t हो जाएगा जीरो टू कैपिटल t लिमिट है तो दिस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल t एंड हियर इज u मल्टीप्लाइड बाई जीरोस्थीटा थीटा टी एंड हियर इज माइनस और लिमिट h टू जीरो दैट मीन्स इंटीग्रल के बाद लिमिट रख देंगे तो h आएगा दैट इज फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस वी टी माइनस U, zero to capital t, cos theta dt, और ये that is equal to H अगर यहां पे मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू के बारे में मालूम हो जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस पोजीशन में हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व भी नहीं कर सकते अगर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो थीटा को T के रिस्पेक्ट में लिखना होगा जो हमें मालूम नहीं है तो अब यहां पे हमारे पास वेरिएबल हो गए t और थीटा दो और इक्वेशन एक ट मींस अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन और हमें चाहिए होगी तो दूसरी इक्वेशन हम लोग किसी दूसरी कंडीशन से एक्सप्लोर करते हैं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जिस समय मिसाइल रॉकेट को हिट करेगी उस समय मिसाइल की पोजीशन और रॉकेट की पोजीशन सेम होगी दैट मीन्स वी कैन से इन हॉर्जेंटल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिसाइल एंड रॉकेट शुड बी सेम तो ये वाली कंडीशन हमें हेल्प कर सकती है सेकेंड इक्वेशन को जनरेट करने के लिए तो हम लोग एक काम करते हैं इस डायग्राम को फिर से प्लेस करते हैं राइट और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस समय मिसाइल रॉकेट को हिट करेगी तो हॉर्जेंटल डायरेक्शन में दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कैपिटल टी इज द मीटिंग टाइम और रॉकेट हॉर्जेंटल डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट यू मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा लेकिन इस मिसाइल की वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है एवर चेंजिंग है और हॉर्जेंटल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें मालूम करना है तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम जैसा हमने रॉकेट का कैलकुलेट किया वैसा नहीं कर सकते हैं तो यहां पे हमें छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा डीएक्स तो देखते हैं यहां पे और से थीटा बनाएगी और का कंपोनेंट सा एलिमेंटल हमने डी टी लिया अब डी टी टाइम में डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वी कॉस्थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टी दिस इज द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन दॉर्जेंटल डायरेक्शन तो अगर हम लोग यहाँ पे dx को इंटीग्रल कर दें, दैट मीन अगर इंटीग्रल कर देंगे तो दी एक्स, दी एक्स dx dx सबका वी विल गेट द सबका डिस्प्लेसमेंट अप टू कैपिटल टी शुड बीवल टू u मल्टीप्लाइड बाई टी तो अब इसमें इंटीग्रल करके u मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर लिखा जा सकता है नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन राइट नाउ इन दिस इक्वेशन

टूगे इक्वेशन नंबर वन वॉज दिस तो हमेंग्रल की वैल्यू नोन या रिक्वायर्ड पैरामीटर के टॉम में मिल जाएगी सो लेटसटूट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इन इक्वेशन नंबर वन राइट अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं कैपिटलिटी के लिए कैपिटल टी कॉमन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैपिटल टी कॉमन एंड वी का अगर मल्टीप्लीकेशन एस से कर दें सो टी इज इक्वल टू एच वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज द रिक्वायर टाइम इस टाइम में रॉकेट मिसाइल को हिट कर देगा तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द रॉकेट और मिसाइल कैलकुलेट कर लिया इस सिचुएशन में यू कैन ऑब्जर्व If v is less than u, यहां पे अगर मिसाइल की वेलोसिटी या मिसाइल की स्पीड रॉकेट की स्पीड से कम होती तो ये मिसाइल कभी भी रॉकेट को हिट नहीं कर पाती लेकिन उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं इफ v इक्वल टू यू अगर मिसाइल की स्पीड और रॉकेट की वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कभी भी हिट नहीं कर पाएंगे लेकिन इतना जरूर होगा कि किसी टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम द सेपरेशन बिटवीन द मिसाइल एंड रॉकेट विल बी कॉन्स्टेंट जिस टाइम में मिसाइल सेम हॉर्जेंटल लेवल पे रॉकेट के आ जाएगी और फॉलो करने लगेगी उस समय रॉकेट और मिसाइल के बीच का सेपरेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा और वो इनफाइनाइट तक मेंटेन रहेगा तो एक सिचुएशन हम लोग और डिस्कस करते हैं इफ़ वी इक्वल टू यू राइट तो सिचुएशन हमारे पास है ये v और u की वैल्यू सेम है दैट इज क्वेश्चन इज ए रॉकेट मूव हॉर्जेंटली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v एट हाइट h एंड ए गाइडेड मिसाइल इज फायर्ड वर्टिकली विद द सेम स्पीड v व्हेन रॉकेट पासेस अबव इट इन दिस सिचुएशन यू कैन ऑब्जर्व h इज द हाइट और हमने मिसाइल को भी v वेलोसिटी से फायर किया और ये हमेशा इसको फॉलो कर रही है और अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है फाइनल सेपरेशन बिटवीन दिस टू अब इस सिचुएशन को भी हम लोग विजुलाइज करते हैं इस समय t इक्वल टू जीरो की पोजीशन मिसाइल ने रॉकेट को फॉलो करना शुरू किया लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में रॉकेट और आगे चला जाएगा और मिसाइल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी लाइक दिस दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द इंस्टेंटे पोजिशन कम हो गई और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और इस तरह से कम होती जाएगी अब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है क्योंकि मिसाइल को यू कैन ऑब्जर्व इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है लेकिन रॉकेट को हमेशा हॉर्जेंटल डायरेक्शन में मूव करना हो रहा है दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉकेट इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन किसी गिविन टाइम में इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिसाइल इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन स रॉकेट अब लीड करेगा और मिसाइल पीछे हो जाएगी मिसाइल हॉर्जेंटल लेवल पे पहुंच जाएगी रॉकेट हॉर्जेंटल लेवल पे पहले से था तो फाइनल सेटवीन द मिसाइल एंड रॉकेट विल बी कॉन्स्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल इस समय कह सकते हो दिस इज द फाइनल और ये फाइनल सेपरेशन हमें कैलकुलेट करना है यू कैन ऑब्जर्व दाथ ऑफ मिसाइल इज ऑलवेज ने पिछली सिचुएशन में भी कंसिडर किया था या डिस्कस किया था कि मिसाइल का पाथ कर्व और रॉकेट हमेशा और को अलग प्लॉट कर लेते हैं एंड लेट फाइंड द्रोच मिसाइल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट तो वेलॉस्टिव अप्रोच के लिए मुझे क्या करना होगा मिसाइल और रॉकेट की इंस्टेंट इनिस ड्रॉ करनी होगी सपोज मिसाइल इज एट दिस पोजिशन राइट right? और टी टू जीरो की पोजीशन तो मालूम है दैट इज इनिशियल सेपरेशन इज एच और अब मिसाइल की पोजीशन यहाँ और रॉकेट की पोजीशन ये एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू राइट ये दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली सिचुएशन है किसी टाइम टी की सिचुएशन है एंड सेपरेशन बिटवीन दिज टू इज आर वेलोसिटी ऑफ ए इज ऑलवेज वर्ड बी दिस इज वी एंड दिस इज वी और ये ए बी की डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे आर ले रहे हैं अब आर लगातार कम होता जाएगा दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और फाइनली जीरो हो जाएगा आर की इनिशियल वैल्यू एच और फाइनल वैल्यू जीरो अब इस टाइम में अगर मालूम करना है वी नीड टू फाइंड दिस एंगल दैट इज थीटा सपोज और अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वी थीटा जैसा पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में राइट नाउ वी कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी दैट इज इक्वल टू वी माइनस वी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डी बाई डी राइट अब यहाँ पे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं डी से मल्टीप्लाई कर दें इसे तो ये हो जाएगा v माइनस वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टी नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट द लिमिट प्रीवियस प्रॉब्लम में लिमिट्स क्या थी रॉकेट मिसाइल को हिट कर रहा था सेपरेशन जीरो लेकिन इस सिचुएशन में दोनों के बीच का फाइनल सेपरेशन नहीं है कुछ हमारे पास एक्स है सपोज और ये एक्स लगातार मेंटेन रहेगा दैट मींस फाइनल सेपरेशन इज एक्स इनिशियल सेपरेशन इज एच दैट मींस द लिमिट ऑफ आर इज फ्रॉम एच टू एक्स टीक्वल टू जीरो पे एच टीवल टू कैपिटल t टाइम में जब वो सपोज फाइनल सेपरेशन अचीव करेगा दैट इज x तो so, h टू x इज द लिमिट ऑफ r एंड टाइम की लिमिट टू t सो लेट अस राइट इन द इंटीग्रल फॉर्म नाउ वी कैन टेक v आउटसाइड एंड हियर आल्सो v आउटसाइड एंड हियर इट इज इंटीग्रल इज r x माइनस आर एंड माइनस से मल्टीप्लीकेशन दैट इज एच माइनस एक्स सो दिस इंटीग्रल इज वीटी माइनस वी जीरोग्रल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था बिकॉज थीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट इट इज वेरीविल इट इज चेंजिंग विदाइम टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है तो इसका रिलेशन टाइम के साथ है दैट मीन्स वी कैनोट टेक cos theta outside the integral. Now we have the two unknowns, capital T and theta. Equation one है. अब एक equation हमें और explore करनी होगी और उस equation के लिए कोई condition हमें सोचनी होगी. तो previous question में जब meet कर रहे थे तो condition क्या थी? Horizontal direction में displacement was same. लेकिन यहाँ पे displacement horizontal direction में same नहीं है. We can say द डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन जो रॉकेट का डिसप्लेसमेंट है और मिसाइल का डिसप्लेसमेंट है हॉर्जेंटल डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू द फाइनल सेपरेशन राइट तो ये वाली जो कंडीशन है या ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमें नेक्स्ट इक्वेशन को फॉर्म करने में हेल्प करेगी तो अब हमें यहाँ पे रॉकेट के डिसप्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यू इज कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू यू राइट अब यू मल्टीप्लाइट बाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉकेट लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिसाइल इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन के लिए ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते तो जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था वही चीज हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे किसी छोटे से इंटरवल डी टी में डी एक्स कैल्कुलेट करते हैं सो लेट अस

कैपिटल टी जिस समय सेपरेशन कॉन्स्टेंट हो गया दैट मीन्स वी कैन राइट वी टी कैपिटल टी इज द मीटिंग टाइम वी टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉकेट इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन तो हम लोग देख सकते हैं वीटी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स राइट नाउ वी कैन टेक वी आउटसाइड द इंटीग्रल बिकॉज वी इज कॉन्स्टेंट राइट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर टू नाउ वी हैव टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी ये वाली सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है सो लेट एस राइट बोथ इक्वेशन इन द नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व इ लेफ्टिस इक्वेशन इज सेम एज देंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर टू दैट मीन We can equate the right-hand side part of both equation. That means h minus capital X equal to X. So here we can write h equal to 2X. That means X equal to h by 2. That means the final separation between the rocket and missile should be equal to half the initial separation. Final separation, initial separation ka half ho jayega. Or infinite tak separation maintained rahega. It is OK.